नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो में हम बिना उधार के घटाव करना सीखेंगे। आज कैफी और जोई एक जन्मदिन पार्टी की योजना बना रहे हैं। कैफी, क्या तुम जानती हो कि अगले हफ्ते हमारे दोस्त केबरी का जन्मदिन है? अरे वाह, चलो उसके जन्मदिन के लिए एक मजेदार पार्टी की तैयारी करते हैं। हाँ कैफी, बड़ा मजा आएगा, लेकिन हमें जन्मदिन की पार्टी के लिए पैसे लगेंगे। मेरे गुल्लक में कुछ पैसे हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जन्मदिन पर शानदार पार्टी दे सकते हैं। मेरे गुल्लक में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 रुपए हैं। चलो सबसे पहले हम गुब्बारे लेते हैं। दोनों गुब्बारे की दुकान में 20 रुपए के गुब्बारे खरीदते हैं। अब हमारे पास कितने रुपए बचे हैं? चलो हम घटाव का इस्तेमाल कर इसका पता लगाएं। 80 घटाव 20 कितने हुए? पहले हम इकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। शून्य में शून्य घटाव हुए 0। इसे हम यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिखेंगे। हाँ, अब हम दहाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को घटाते हैं। 8 घटाव 2 हो गए 6। इसे हम यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिखेंगे। 80 घटाव 20 हुए 60। वाह कैफी, हमारे पास अभी भी 60 रुपए बचे हैं। हाँ, ये जन्मदिन की पार्टी के लिए काफी होंगे। कैफी और जोई बर्थडे पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स खरीदने एक बेकरी गए। वहाँ उन्होंने 40 रुपए के सैंडविच और केक खरीदे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कैफी और जोई के पास अब कितने रुपए बचे हैं? आइए इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम दोनों संख्याओं को इस तरह खड़े घटाव के रूप में लिख लेते हैं। 60 घटाव 40। सबसे पहले इकाई में लिखी संख्याओं को घटाते हैं। शून्य में शून्य घटाए हुए 0। इसे यहाँ इकाई वाले भाग में लिख लेते हैं। अब हम दहाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को घटाते हैं। 6 घटाव 4 हो गए 2। इसे हम यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिखेंगे। 60 घटाव 40 हुए 20। बच्चों, अब आपकी बारी है इस प्रश्न को हल करने की। क्रॉक के पास 88 लड्डू थे, उसने 45 लड्डू खा लिए। क्रॉक के पास अब कितने लड्डू बचे हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने 99 तक बिना उधार के घटाव करना सीखा।